हरे कृष्णा, आइए हम आज सुनते हैं पुंडलिक की महिमा। धाम ये भगवान का घर है। कहते हैं धाम में भगवान अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। पंढरपुर धाम में भगवान पुंडलिक को मिलने के लिए स्वयं आते हैं। ऐसी ख्याति है पुंडलिक की, पुंडलिक माझा बंधु तुकाराम कहते हैं। ऐसी ख्याति है कि भगवान स्वयं पुंडलिक को मिलने के लिए पंढरपुर में आए हैं। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि पुंडलिक कौन है। लोहदंड क्षेत्र में जानुदेव नामक एक ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम सत्यवती था, लेकिन इनके जो पुत्र हैं ये बहुत दुष्ट व्यवहार के थे। दोनों जानुदेव और सत्यवती बहुत ही विनम्र थे, लेकिन इनके जो पुत्र हैं पुंडलिक इतने दुष्ट थे कि उन्हें बहुत सताते थे। तो दोनों ने एक युक्ति निकाली कि इनका विवाह कर ले। तो इनका विवाह भी किया, फिर भी इनके व्यवहार में कोई सुधार नहीं था। तब दोनों ने सोचा, माता पिता ने, कि अब हम काशी की ओर प्रस्थान करते हैं। तो दोनों काशी की ओर प्रस्थान करने लगे। तब पुंडलिक और उनकी पत्नी ने कहा, चलो देखते हैं काशी में क्या है। दोनों घोड़े पर सवार होकर काशी की ओर जाने लगे। उन्होंने रास्ते में देखा कि अपने माता पिता चल रहे हैं, लेकिन एक बार भी उतरे नहीं, उनके माता पिता से बोले तक भी नहीं। उनके माता पिता रात को एक आश्रम में रुके। वो आश्रम एक महान मुनि का था, कुकुट मुनि का था। पुंडलिक और उनकी पत्नी इन्होंने भी विचार किया कि हम भी इसी आश्रम में रुक जाते हैं। कुकुट मुनि आश्रम से बाहर आए, तब पुंडलिक ने उनसे पूछा, क्या कभी आप काशी गए हो? तो कुकुट मुनि ने कहा, मैंने कभी काशी देखा नहीं। तब दोनों पुंडलिक और उनकी पत्नी हंस पड़े, उनका उपहास करने लगे। कुकुट मुनि शांत रहे और अंदर चले गए। यहां रात को पुंडलिक ने देखा कि तीन कुरूप महिलाएं आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। भीतर गए, आश्रम को झाड़ू मारा, लेकिन बाहर आए तो बहुत ही सुंदर दिखने लगे, अप्सराओं की तरह। तब पुंडलिक ने पूछा, आप तीनों जन हैं कौन? उन्होंने कहा, हम गंगा, यमुना और सरस्वती हैं। आपके जैसे पापी हमारे नदी में आकर स्नान करके हमें कुरूप बना देते हो, लेकिन कुकुट मुनि जैसे महान भक्तों की सेवा करके हमें पुनः यह सुंदरता प्राप्त हो जाती है। इस वचन से पुंडलिक के मनोवृत्ति में परिवर्तन आया, उन्हें अपने दुष्ट व्यवहार का अनुभव हुआ। तब उन्होंने सोचा कि मैं अब से मेरे माता पिता का सेवा करूंगा। इतना सुंदर सेवा करने लगा, पूरे विलेज में सभी लोग उनका गुणगान करने लगे। तब भगवान स्वयं पुंडलिक की सेवा को देखने के लिए वहां आते हैं। जब भगवान वहां आए तब पुंडलिक अपने माता पिता का चरण दबा रहे थे। तब पुंडलिक ने कहा भगवान को, आप थोड़ा देर प्रतीक्षा करिए। और उन्होंने एक ईंट को उनकी तरफ फेंक दिया और कहा, आप इस ईंट के ऊपर खड़े रहिए और मैं मेरे माता पिता का चरण दबाकर मैं आपके पास आता हूँ। इसीलिए विटेवरी उभा विठला, वीट यानी ईट, ईट में खड़े हैं विठोबा। क्यों खड़े हैं? पुंडलिक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये पुंडलिक है कौन और भगवान उसकी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? पहले जन्म में यही पुंडलिक मुचकुंद था। देवी देवताओं को वो युद्ध में मदद करता था। असुरों के साथ जब युद्ध होता था तब मुचकुंद देवी देवताओं को बहुत मदद करता था। असुरों पर जब जीत हुआ तब देवी देवताओं ने उसे वर दिया, आपको जो चाहिए मांगिए। मुचकुंद ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोना है। और
मुझे ऐसी नींद दीजिए कि कोई मुझे उठाए नहीं, अगर कोई मुझे उठाता है तो मैं उसे भस्म कर दूंगा, मेरे दृष्टि मात्र से वो जल जाएगा। तो इस प्रकार से मुचुकुंद एक गुफा के अंदर जाकर आराम करने लगा। अब यहां एक राक्षस था, उसका नाम था कालियावन। भगवान से युद्ध कर रहा था। जब भी कृष्ण एक लीला करते हैं उसमें सभी का फायदा होता है। मुचुकुंद को जगाना भी था, कालियावन को समाप्त भी करना था। तो भगवान भागने लगे, कालियावन उसके पीछे पीछे भागने लगा। जब कालियावन भगवान के पीछे भागने लगा, भगवान उस गुफा में प्रवेश किए और गुफा में छुप गए। छुपने से पहले अपने पीताम्बरी वस्त्र को मुचुकुंद के ऊपर डाल दिए। जब कालियावन अंदर आया तो उसे लगा कि भगवान सो रहे हैं, तो कालियावन ने लात मारकर भगवान को जगाने का प्रयास किया। क्या वहां भगवान थे? नहीं, मुचुकुंद है। मुचुकुंद का नींद खुल गया और जैसे ही कालियावन को देखा, कालियावन भस्म हो गया। तो भगवान पीछे से मुस्कुराते हुए मुचुकुंद के सामने आए। तो मुचुकुंद ने कहा, मैं सदैव आपको देखते रहूं, ओ कृष्ण आप कितने सुंदर हो, आपकी कृपा कितनी है, आपकी कृपा का कोई सीमा ही नहीं है। तो इस प्रकार से मुचुकुंद को उन्होंने एक वर दिया कि अगले जन्म में मैं आपके सामने सदैव खड़ा रहूंगा, और वही है पुंडलिक और वही है कृष्ण। यही कृष्ण अब विट्ठला के रूप में भगवान पुंडलिक के सामने सदैव खड़े हैं। और ये ईंट कौन है जिसके ऊपर भगवान खड़े हैं? वो ईंट इंद्र है। कहते हैं वृतासुर नामक एक दैत्य इंद्रत्व को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा था। कोई तपस्या करता है तो इंद्र बहुत चिंतित हो जाते हैं, तो इंद्र ने वृतासुर का सर को काट डाला। यहां तपस्या कर रहे हैं और इंद्र ने उनका सर को काट डाला। मरते समय वृतासुर ने उनको शाप दिया कि आप एक ईंट बन जाओगे। लेकिन भगवान के भक्त हैं इंद्र, ईंट तो बने लेकिन उसी ईंट में कौन खड़े हैं? भगवान स्वयं खड़े हैं। विटेवरी उभा हरि विठला, विटेवरी उभा हरि विठला, पुंडलिक को दर्शन दे रहे हैं। इसीलिए आज भी भगवान के नाम के पहले पुंडलिक का नाम का उच्चारण होता है, पुंडलिक वरदा हरि विठला, पुंडलिक वरदा हरि विठला।